झारखंड जिले के पांडू प्रखंड के अंतर्गत राजकीय कृति कल्याण प्लस टू उच्च विद्यालय के खेल मैदान में बुधवार के दिन मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र प्रखंड पांडू के अध्यक्ष पंकज पांडे एवं संचालन आशुतोष सुमन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य मीना देवी के अलावा भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संध्या सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य शंभु शरण सिंह, मंडल अध्यक्ष प्रेम सागर सिंह ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भाजपा नेत्री संध्या सिंह ने कहा कि पांडू प्रखंड के 55 गांव में मिट्टी संग्रहित कर देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों की याद में दिल्ली के कर्तव्य पथ के आसपास अमृत वाटिका निर्माण में सम्मोहित करने के उद्देश्य से ये मिट्टी मंगाकर दिल्ली के लिए भेजी जा रही है। ये हम सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात है। मौके पर नेहरू युवा केंद्र के अध्यक्ष पंकज पांडे ने उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से आग्रह करते हुए कहा कि नेहरू युवा केंद्र गांव के वैसे छात्र छात्रा जो खेल में रुचि रखते हों और वो आगे बढ़ना चाहते हों उनके लिए एक केंद्र मददगार साबित हो रही है। जरूरत है इससे जुड़कर लाभ लेने की। मौके पर मनोरंजन प्रसाद गुप्ता, जनक शर्मा, बैजनाथ सिंह, शैलेंद्र सिंह, राधेश्याम विश्वकर्मा, कल्याणकृत उच्च विद्यालय के सभी शिक्षक और छात्र छात्राओं के साथ ही अन्य लोग। आज का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, जो कि कार्यक्रम चल रहा है पिछले एक मंथ से, मेरी माटी मेरा देश, उसके तहत हम लोग एक महीना से हर एक पंचायत में घर घर जाकर मिट्टी इकट्ठा किए थे। आज इस कार्यक्रम करने का उद्देश्य था सब पंचायत से मिट्टी जो जमा हुआ था उस मिट्टी को एक कलश में करके प्रखंड स्तरीय कलश को राज्य और जिला में भेजने का कार्यक्रम था, और वहाँ से बाद हम लोग दिल्ली कर्तव्य पथ पे इस कार्यक्रम को आयोजन एक होने वाला है 30 और 31 तारीख को। आज का मुख्य उद्देश्य यही था कि एक सभी मिट्टी को एक कलश में करके जिला में भेजने का काम।